हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइड्रोजन पार्ट टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइड्राइड्स। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फर्स्ट है, सलाइन हाइड्राइड्स आर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। सलाइन हाइड्राइड्स क्या स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं? सलाइन हाइड्राइड्स दोस्तों क्या होता है? सलाइन हाइड्राइड्स मतलब होता है कि आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। तो सलाइनी स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब होना कि इनका रेशियो 1:2 सिंपल रेशियो होना, ठीक है। 1:2, 2:3, तो सिंपल रेशियो मतलब स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ऑप्शन बी है, तो सलाइन हाइड्राइड्स स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं? हाँ होते हैं। ऑप्शन बी है कि आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन। यही सलाइन हाइड्राइड्स को हो या आयनिक हाइड्राइड्स को हो, बात एक ही है। तो आयनिक हाइड्राइड्स हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं, सही बात है, क्योंकि ये किन से बॉन्ड बनाते हैं? ये हमारे सलाइन हाइड्राइड्स बनते हैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉन मेटेलिक एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो नॉन मेटेलिक होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है इन सॉलिड स्टेट। तो हाँ, सही बात है, नॉन मेटेलिक होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो मेल्टिंग स्टेट में कंडक्टिंग बनता है। तो ऑप्शन सी था कि द मेल्ट ऑफ आयनिक हाइड्राइड आर नॉन कंडक्टिंग, ये गलत बात है। जब मेल्टिंग फॉर्म में वो होता है आयनिक हाइड्राइड तो कंडक्टिंग करता है, क्योंकि मेल्टिंग फॉर्म में वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो आयन्स के रूप में बने हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो द मेल्ट ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स आर नॉन कंडक्टिंग, ये गलत है। ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सलाइन हाइड्राइड्स यील्ड H2 गैस एट एनोड, सही बात है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कराते हैं सलाइन हाइड्राइड का तो H2 गैस एनोड पे मिलता है, क्योंकि सलाइन हाइड्राइड में हमारा हाइड्रोजन H- में होता है, ना कि H+ में, और H- की होने की वजह से वो किस पर मिलता है? एनोड पर मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक। इसमें से कौन सा हाइड्राइड एसिडिक है? ऑप्शन ए है N2H2, ऑप्शन बी है N2H4, ऑप्शन सी है NH3 एंड ऑप्शन डी है N3H, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दोस्तों, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड, जिसका फार्मूला होता है N3H, जिसमें कि N- डबल बॉन्ड N+ डबल बॉन्ड NH होता है। ये हमारा एसिडिक हाइड्राइड होता है, इसको हम हाइड्रोजन एजाइड भी कहते हैं और एजोइमाइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नाइट्रोजन से जुड़ा है, और अगला नाइट्रोजन हमारा क्या है, डबल बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मेन ये बात हो जाती है कि जिस नाइट्रोजन से हमारा बॉन्ड जुड़ा है वो प्लस चार्ज गेन कर लेता है, और प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द हाइड्राइड आयन्स H-। हाइड्राइड आयन जब हमारा H- होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन। क्या हाइड्राइड आयन्स H- स्ट्रॉन्गर बेस होता है हाइड्रोक्साइड आयन से? तो दोस्तों, हाँ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप H- को देखो तो यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, या कह दो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस ही तो होगा। अगर OH- की बात करें तो ये OH- पूरे OH ग्रुप पर है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों से अगर आप देखो, दूसरे तरीके से देखो, तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, तो उसकी वजह से भी वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ी बहुत तो मात्रा में खींचेगा ही, अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। वैसे हम जानते हैं कि OH- भी एक अच्छा बेसिक करेक्टर है, लेकिन H- हमारा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्योंकि H- हमारा तब बना है जब इससे कोई अल्कली मेटल्स जुड़ा होगा और अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। और OH- भी हमारा तब बना है जब कोई अल्कली मेटल जुड़ा होगा और उसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो OH- ने तो इलेक्ट्रॉन तब पाया क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, उसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखने की ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है, लेकिन H- की टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन रखने की। और जब इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी नहीं होगी तो ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा, मतलब जल्दी से रिएक्टिव होगा और बहुत जल्दी से बॉन्ड बनाएगा, मतलब रिएक्ट करके OH- रिलीज करेगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर इफ़ द सोडियम हाइड्राइड इज डिजॉल्व इन वाटर।
कौन सा रिएक्शन होगा, क्या एच माइनस एच टू ओ तो ये थ्री ओ माइनस, कभी सुना है क्या, नहीं होता है। एच माइनस एक्वस प्लस एच टू ओ लिक्विड यानी ओ एच माइनस प्लस एच टू, हाँ यही होता ही है, क्योंकि देखो जब हम सोडियम हाइड्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो एच टू गैस रिलीज होता है। ये हमारा एक तरीके से प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन ही हो गया, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हो गया कि सोडियम के हाइड्राइड या अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड को जब हम एच टू ओ से ट्रीट कराते हैं तो ओ एच माइनस रिलीज होता है, ओ एच माइनस मिलता है और एच टू गैस रिलीज होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन बाइनरी हाइड्राइड इज, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इन बाइनरी हाइड्राइड माइनस वन। बाइनरी हाइड्राइड हमारा तब बनता है दोस्तों जब वो अल्कली या अल्कलाइन से बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें कि बाइनरी हाइड्राइड का मतलब ये होता है कि हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जिनसे वो बॉन्ड बनाया। तो ऐसा हाइड्रोजन कब होता है, जब वो अल्कली मेटल्स जुड़ते हैं, मतलब माइनस वन प्रॉपर्टी शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना इन कंपेरिजन टू अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट, कौन मोर कोवेलेंट होगा। ठीक है, अगर आप एस ब्लॉक पढ़े होगे तो जानते होगे, वैसे भी जानते होगे कि मोर कोवेलेंट नेचर कब होता है। मोर कोवेलेंट नेचर फजान्स रूल क्या कहता है कि अगर साइज छोटी होगी और चार्ज ज़्यादा होगा तो मोर कोवेलेंट नेचर। अगर आप देखो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब के सब अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, मतलब सब पर प्लस टू चार्ज होगा। तो जिनकी साइज छोटी उनमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, जिनकी साइज छोटी उनमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड। वैसे भी अगर आप आओगे एस ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा कि बेरिलियम हाइड्राइड हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ, किसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी। ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है ESH3, ऑप्शन सी है PH, ठीक है, फास्फोरस हाइड्राइड, एंड फिर है SBH3। तो दोस्तों अब अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो नाइट्रोजन की हमारी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, मानते हैं किन से ज़्यादा होती है, वो हमारी PH3 और ESH3 से ज़्यादा होती है, लेकिन SBH3 या BIH3 से ज़्यादा नहीं होती है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, SBH3 का होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, वैसे अगर ये जो क्वेश्चन था ना ये आपको पी ब्लॉक में भी मिलेगा कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, चलो हाइड्राइड की वजह से वो पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें तो ऑन द रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्राइड, कौन एक भी हाइड्राइड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए है Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड एंड Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। क्या होगा आंसर, Ca3P2, Mg3N2, Be2C एंड कैल्शियम हाइड्राइड। थोड़ा सा इस पर सोचो, कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा। ऑन रिएक्शंस विथ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्राइड, एंड करेक्ट आंसर इज CaH2। ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्राइड, कौन हाइड्राइड नहीं प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम हाइड्राइड हमारा ऑलरेडी हाइड्राइड है, अगर ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड नहीं प्रोड्यूस करेगा। बाकी अगर Be2C कहें तो ये कार्बाइड है, बेरिलियम हाइड्राइड बनाएगा, Mg3N2 की बात करें मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएंगे, कैल्शियम ये भी हमारा हाइड्राइड बनाएगा। तो कहा था कि ऑन रिएक्शन विथ वाटर कौन हाइड्राइड नहीं प्रोड्यूस करेगा, जो ऑलरेडी हाइड्राइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है ना। ठीक है, तो CaH2 के साथ अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, मतलब अगर रिएक्ट कराएंगे वाटर का, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्राइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या हम आपको हाइड्राइड ही बोले थे कि हाइड्रोजन बोल दिए थे, अगर हाइड्रोजन बोल दिए होंगे तो थोड़ा सा गलत पढ़ दिए थे। कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा, हाइड्राइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड्स, दिस इज टर्म्ड एज, जो हमारे मेटल्स ग्रुप में 7, 8, 9 होते हैं ये हमारे हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्राइड गैप, ऑप्शन बी हाइड्राइड शिफ्ट, ऑप्शन सी डीहाइड्राइड एंड ऑप्शन डी एनहाइड्राइड, क्या कहा जाता है। वैसे नाम से भी लगता होगा कि यार ये
गैप जैसा कुछ है कि यहाँ इतनी में गैप है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं बनेगा, और इसको सही भी बात है, हाइड्राइड गैप ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करें, एमंग कैल्शियम हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड B2H6 या डाई बोरेन का दो, तो विच आर कोवेलेंट हाइड्राइड, कौन कोवेलेंट हाइड्राइड होगा, क्या लगता है आपको कौन कोवेलेंट प्रॉपर्टी शो करेगा? ऑप्शन ए NH3 एंड B2H6, ऑप्शन बी NaH एंड CaH2, ऑप्शन सी NaH एंड NH3 एंड ऑप्शन डी CaH2 एंड B2H6। दोस्तों आप जानते होंगे यार कि यस ब्लॉक के एलिमेंट तो कोवेलेंट नेचर नहीं बनाएंगे, सिवाय बेरिलियम को छोड़ दिया जाए या लिथियम को छोड़ दिया जाए, कभी कभी लिथियम शो करने लग जाता है, जैसे लिथियम के जो क्लोराइड्स बनते हैं, ठीक है, वो कोवेलेंट में या ऑर्गेनिक सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन बनाता है NH3 अमोनिया कहते हैं, अमोनिया गैस, बोरान जिसे कहेंगे डाई बोरेन B2H6, ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 की बात करें, व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू एन आयनिक हाइड्राइड, जब हम इलेक्ट्रिक करेंट पास्ड करते हैं आयनिक हाइड्राइड से इन मोल्टेन स्टेट, क्या होता है मोल्टेन स्टेट में, अगर हम ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, समझ रहे हो ना, मतलब कि तरीका बदल दिया गया है दोबारा, क्या मतलब तरीका बदल के, कि हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, हाइड्रोजन इन आयन्स माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, या हाइड्राइड आयन्स रिमेन्स इन सोल्यूशन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हाइड्राइड आयन्स में, आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन हमारा लिबरेट करता है एनोड पे, बाकी सब हाइड्राइड मतलब बाकी सब में जिसमें हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में होता है उस समय वो कैथोड पे रिलीज करता है, लेकिन जब H माइनस में होता है तो उस समय एनोड पे रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, याद रखना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट मैचिंग कोड फ्रॉम द चॉइस गिवेन, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, पहले याद रख लेना कोवेलेंट बनाता है, तो ए से 4, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड, फिर कि इंटरमीडिएट बनाएगा बेरिलियम हाइड्राइड, ESH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, B2H6 LaH3 LiAlH4, तो B2H6 हमने पहले ही देखा ना क्या होता है, कोवेलेंट होता है, तो जरूर देखो कि चूज द करेक्ट मैचिंग कोड फ्रॉम द चॉइस। दोस्तों इसको ध्यान से देखना, बहुत सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर हम बात करें LiLH4 की, सबसे पहले LiLH4 का सिंपल है इसलिए कह रहे हैं, ये कम्प्लेक्स होता है, तो आप देखोगे E=1, तो E=1 सब में है। फिर अगर हम बात करें लैंथेनम हाइड्राइड की, ये लैंथेनम हाइड्राइड क्या बनाता है, इंटरस्टीशियल बनाता है, तो D=3, तीन ऑप्शन है। फिर अगर हम बात करें B2H6 की, बोरान हाइड्राइड हमारा कोवेलेंट नेचर का भी है और लुईस एसिड भी बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसके ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, तो यहाँ पर ठीक तो ये होगा कि हम क्या करें, दो ऑप्शन तो साथ में है नहीं, तो लुईस एसिड बोलें क्योंकि लुईस एसिड से ज़्यादा फेमस है, तो C=2, केवल दो ऑप्शन अब आ गए, सी या डी। अब अगर हम बात करें बी की, ESH3, तो उसके लिए ऑप्शन दोनों में B=2 क्या है, 4, मतलब कोवेलेंट नेचर, आर्सेनिक हाइड्राइड, जानते हो कि नाइट्रोजन फैमिली के आर्सेनिक हाइड्राइड बोला गया कोवेलेंट नेचर, एंड तब बेरिलियम हाइड्राइड के लिए बोला गया या तो पांचवा या छठवां,
इंटरमीडिएट या आयनिक, तो इंटरमीडिएट ज़्यादा ठीक रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर देखा जाए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये बना दिया गया है, लेकिन ये परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस कई चीज़ों से मिल रहे हैं। अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम हाइड्राइड हमारा कोवेलेंट नेचर भी दिखता है, तो हम तो डायरेक्ट बोलेंगे कोवेलेंट। आर्सेनिक हाइड्राइड की अगर हम बात करें, नीचे आने पर थोड़ी सी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछने लायक नहीं था। क्यों नहीं पूछने लायक था कि अगर यहाँ बात करें हम, तो हम पढ़े हैं हाइड्रोजन, यहाँ आपसे बेरिलियम हाइड्राइड एस ब्लॉक, आर्सेनिक हाइड्राइड पी ब्लॉक, बोरान हाइड्राइड पी ब्लॉक, ठीक है, लैंथेनम हाइड्राइड एफ ब्लॉक एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का कम मिक्सचर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको फिर से पी ब्लॉक में कराएंगे हम और वहाँ पर मिलेंगे भी, तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी सही होगा। फिर है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, ठीक से देखना, NH3, PH3, ESH3 एंड SBH3। अब देखा जाए तो सब एक ही ग्रुप के हैं, सब एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन जिनका साइज छोटा होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन का तो साइज छोटा होगा। अगर हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब आता है हमारा वाटर, क्वेश्चन नंबर 46 है, मैच लिस्ट 1 विथ सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हैवी वाटर, वैसे दिख रहा होगा ना, ऑप्शन सी D2O। टेम्प्रेरी हार्ड वाटर, टेम्प्रेरी हार्ड वाटर क्यों होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर। ठीक है, फिर है तीसरा सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, नो फॉरेन आयंस इन वाटर, ऑप्शन बी। एंड चौथा है परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, सल्फेट क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखो चौथा में डी किस में है, दो ऑप्शन है बी एंड डी। ठीक है, उसके बाद आप देख लो कि सॉफ्ट वाटर नो फॉरेन, ठीक है, तो थ्री में बी, ऐसा ऑप्शन केवल डी है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4 5H2O। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कितने करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि NCERT से है और आप पढ़ भी चुके हैं कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4 5H2O। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, क्योंकि CuSO4 4H2O हमारा अंदर होता है, 1H2O हमारा बाहर होता है, कम्प्लेक्स से बाहर होता है, तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, तो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोलूबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाया जाता है, बॉइलिंग के द्वारा, नहीं, क्लार्क मेथड, सी ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी ट्रीटमेंट विथ 2-ethyl anthraquinol इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या पढ़ा आपने, ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 49, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, आइस मेल्टिंग पॉइंट पे आइस हमारा हल्का होता है वाटर से, क्यों, आर मेल्टिंग ऑफ आइस द H2O मॉलिक्यूल्स श्रिंक इन साइज, ऑप्शन बी आइस क्रिस्टल्स हैव हालो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी H2O मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट एंड आइस फॉर्म्स मोस्टली हैवी वाटर ऑन द फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों पहला ऑप्शन था कि क्या मॉलिक्यूल्स श्रिंक कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं वो उनमें हालो खोखले हेक्सागोनल अरेंजमेंट की वजह से ऐसा कुछ होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करें, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है,
ऑप्शन ए ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज मोर रैपिडली देन D2O। ऑर्डिनरी वाटर हमारा जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है देन D2O। ऑप्शन बी D2O फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन H2O। D2O हमारा फ्रीज हो जाता है कम टेम्परेचर पे देन H2O। ऑप्शन सी रिएक्शंस बिटवीन H2 एंड Cl2 इज मच फास्टर देन D2 एंड Cl2। रिएक्शन जो होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये ज़्यादा फास्टर होता है D2 एंड Cl2 में। एंड ऑप्शन डी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ D2 इज ग्रेटर देन H2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है D2 की वो ज़्यादा होती है H2 से। क्या होगा कौन सा सही नहीं है कि D2O फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन H2O। दोस्तों D2O की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सब ज़्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से, तो D2O फ्रीज लोअर टेम्परेचर पे कैसे कर सकता है, तो ये गलत है D2O फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। बाकी अगर रिएक्शन की बात करें H2 एंड Cl2 ये फास्टर इसलिए होता है कि बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी जो D2 की होती है वो ज़्यादा होती है H2 से, H2 का बाउंड डिसोसिएशन कम होता है इन कंपेरिजन टू D2। फिर अगर हम बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी D2 इज ग्रेटर देन H2 ये बात तो सही है और ऑप्शन सी भी सही है कि रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज मच फास्टर देन D2। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज मोर रैपिडली देन D2O, क्यों होता है ऑर्डिनरी वाटर मोर वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है जल्दी से, दोस्तों इसलिए हो पाता है क्योंकि फिर से वही बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो और हल्का भी होता है और साथ में एनर्जी भी कम, तो जो हमारा सिंपल वाटर होता है प्रोटियम जो होता है प्रोटियम जो हाइड्रोजन होते हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं और जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज हो जाते हैं। और इसी फिर हम देखते हैं 51 कैलगॉन यूज एज अ वाटर शॉर्टनर इज, कैलगॉन को हम यूज करते हैं वाटर शॉर्टनर के रूप में वो क्या है। ऑप्शन ए Na2 ब्रैकेट के अंदर Na4PO4 का होल 5। ऑप्शन बी Na4 ब्रैकेट के अंदर Na2PO3 का होल 6। फिर ऑप्शन सी है Na2NA4PO3O6 फिर Na4 ब्रैकेट में Na4PO4 6। दोस्तों क्या होता है कैलगॉन, आपने पढ़ा होगा Na2NA4PO3 का होल 6। ऑप्शन सी Na2 ब्रैकेट के अंदर Na4PO3 का होल 6। ऑप्शन सी हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड, हैवी वाटर हमारा बनाया जाता है ऑप्शन ई बाई कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैवियर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन करके कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन को और किसके साथ आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भाई आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग हैवी हाइड्रोजन डिजॉल्व इन इट, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वाटर का जिसमें हैवी हाइड्रोजन होता है, या फिर रिपीटेड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 3% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, या हम रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 3% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव क्या होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर है बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 3% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 की बात करें, लीड पाइप्स आर नॉट सेफ फॉर कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, लीड पाइप जो होता है वो सेफ नहीं होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें से पानी को ले जाना। ऑप्शन ए दे आर कवर्ड विथ अ कोटिंग ऑफ लीड कार्बोनेट, क्योंकि वो कवर्ड होता है लीड कार्बोनेट से। दे आर कोरोडेड बाई एयर एंड मॉइस्चर, वो कोरोड होता है एयर एंड मॉइस्चर से। ऑप्शन सी वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व एयर अटैक लीड एंड फॉर्मिंग सलूबल हाइड्रोक्साइड, जो वाटर होते हैं जिसमें डिजॉल्व एयर वो अटैक कर जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं सलूबल हाइड्रोक्साइड्स लीड हाइड्रोक्साइड्स, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व एयर अटैक लीड एंड फॉर्मिंग सलूबल हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ऑर्डिनरी वाटर इज नॉट यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज, ऑर्डिनरी वाटर को हम नहीं यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्यों। इट कैन नॉट स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये नहीं कर पाता है स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, या इट कैन नॉट रिमूव द हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर, ये रिमूव नहीं कर पाता है हीट को रिएक्टर कोर से, या इट एब्जॉर्ब द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, या ये एब्जॉर्ब कर लेता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, या ऑफ इट्स कोरोसिव एक्शंस ऑन द मेटेलिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, या इसका कोरोसिव एक्शन होता है मेटेलिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या होगा करेक्ट आंसर।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि इट एब्जॉर्ब द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। दोस्तों हमें एब्जॉर्ब नहीं कराना है, हमको मॉडरेटर का काम करना है, उसको स्पीड को रोकना है, ना कि एब्जॉर्ब कर लेना है। इसमें क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्यूटेरियम बन जाता है, या फिर अपने अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट एब्जॉर्ब द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, वाटर सॉफ्टनिंग बाई क्लार्क प्रोसेस यूजेज, ऑप्शन ए क्लार्क प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग में, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम एलम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड दोस्तों क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर सॉफ्टनिंग क्लार्क प्रोसेस में हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्डर्स। कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या वजह होता है बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना वाटर का। ऑप्शन ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन्स इन वाटर, जो प्रेजेंस होता है H प्लस एंड OH माइनस आयन्स वाटर में, ये वजह है। ऑप्शन बी है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, या ड्यू टू लंदन फोर्स या स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्स। एंड दोस्तों करेक्ट आंसर है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हैवी वाटर वाज डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी हैबर, ऑप्शन सी यूरे एंड वॉस बर्न एंड ऑप्शन डी एस्टोन। एंड करेक्ट आंसर इज यूरे एंड वॉस बर्न। क्वेश्चन नंबर 58, विच विल प्रोड्यूस हार्ड वाटर, ऑप्शन ए सेचुरेशन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम सल्फेट, एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी था कि एडिशन ऑफ Na2SO4 टू वाटर, नहीं। सेचुरेशन ऑफ वाटर विथ CaCO3, नहीं। सेचुरेशन ऑफ वाटर विथ MgCO3, नहीं, क्योंकि ये क्लोराइड एंड सल्फाइड होता है ना, सल्फेट। अब क्वेश्चन नंबर 59 करे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ द वाटर कंटेनिंग 24 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 मॉलिक्यूलर मास 120 पर kg ऑफ वाटर। दोस्तों हम इसका कंपेरिजन किससे करते हैं, अगर आपने हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना जानते होंगे तो हम इसका कंपेरिजन करते हैं कैल्शियम सल्फेट से, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 120, और उनसे हम कंपेयर करके आंसर निकालते हैं, तब हमारा आंसर आता 20 ppm। क्या था, 20 ppm, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक तरीके से हम ये बोलेंगे कि 24 डिवाइडेड बाई 120 हमारा किसके बराबर होगा, x अपान 100। तो जो x की वैल्यू आई वो 20 ppm आई, हम चाहे MgSO4 ले लें या कुछ भी ले लें, उससे हम तुलना किससे करेंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव 1 mole ऑफ अमोनिया, 1 mole ऑफ नाइट्रिक एसिड, 2 mole ऑफ अमोनिया, 2 mole ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी 2 moles ऑफ अमोनिया। 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या फार्मूला होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर तो क्या देता है, हमें देता है 2 mole ऑफ अमोनिया, ठीक है। Mg3N2 प्लस 3H2O, तो देन 3MgO प्लस 2NH3, क्योंकि Mg3N2 दो नाइट्रोजन थे तो 2 mole ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज मोर फॉर वाटर देन हैवी वाटर, क्या मोर होता है वाटर देन हैवी वाटर से, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट। एंड करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। A hardness producing salt whose solubility in water decreases with rise in temperature is option A CaCl2, option B CaSO4, option C CaSCO3 का whole twice and option D MgSO4। hardness producing salt क्या होता है, calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride या calcium bicarbonate। तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होता है राइज इन टेम्परेचर पे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हमारा प्रोड्यूस हार्डनेस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर।
क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू परम्यूटेड विच आयंस आर एक्सचेंज विथ Ca2+ एंड Mg2+। ऑप्शन ए Na+, ऑप्शन बी Al3+, ऑप्शन सी H+ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड करेक्ट आंसर इज Na+। परम्यूटेड का फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8XH2। ये क्या करता है, अपने साथ कैल्शियम मैग्नीशियम को जोड़ लेता है और सोडियम को निकालता है। तो टू एन ए प्लस प्लस Ca Al2Si2O8.XH2 या Mg Al2Si2O8.XH2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग सम डिजॉल्व्ड शुगर एंड टेबल साल्ट इज पास्ड थ्रू ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन, द रिजल्टिंग वाटर विल बी। ऑप्शन ए टेस्टलेस, ऑप्शन बी स्वीट, ऑप्शन सी साल्टी एंड ऑप्शन डी बीटर। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वीट। सैंपल ऑफ वाटर जिसमें सम डिजॉल्व शुगर होगा और टेबल साल्ट इज पास्ड थ्रू ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन्स, तो रिजल्टिंग वाटर हमारा क्या होगा, स्वीट होगा। क्योंकि आयनिक इम्प्योरिटी लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयन्स रिमूव्ड हो जाएंगे ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज और केवल हमें शुगर बचा रह जाएगा इन वाटर सैंपल। तो याद रखना, सोडियम और क्लोराइड को तो आयन एक्सचेंज के द्वारा हम निकाल लेंगे जिससे हमारा केवल स्वीट उसमें बचा रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ हार्डनेस, किसका डिग्री ग्रेटर डिग्री ऑफ हार्डनेस है। ऑप्शन ए वाटर विथ 1 मिलीग्राम CaCl2 पर लीटर, वाटर विथ 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 पर लीटर, वाटर विथ 1 मिली MgSO4 पर लीटर, या ऑल हैव इक्वल। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जिसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका हार्डनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मिली इक्वलेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम किससे कंपेरिजन करते हैं, कैल्शियम सल्फेट से मिली इक्वलेंट से, तो वन। और हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट सबसे कम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का वेट 24 और क्लोरीन 35.5। तो 71 और 24 कितना हो जाएगा, 95। और बाकी अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो कैल्शियम का 40 हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट तो उसका भी ज़्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, विलियम ग्रुप ने क्या डिस्कवर किया। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फ्यूल सेल, ऑप्शन सी ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम एंड ऑप्शन डी हार्ड वाटर। एंड विलियम ग्रुप ने डिस्कवर किया फ्यूल सेल, क्या फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 67, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन। किसके द्वारा हम प्योर वाटर को ऑब्टेन करते हैं, एंड सही आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, द HOH एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 90 डिग्री, 180 डिग्री, 102 डिग्री या 105 डिग्री। एंड करेक्ट आंसर इज 104.5 डिग्री, लगभग अप्रॉक्स 105 डिग्री, क्योंकि ये बेंड शेप्ड होता है दो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 69 है, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिजॉल्व इन ए लीटर इज एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन ए 20 ppm, ऑप्शन बी 200 ppm, ऑप्शन सी 300 ppm एंड ऑप्शन डी 120 ppm। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 200 ppm, क्योंकि आप 10 हम कंपेरिजन किससे करेंगे, 10^6 से। तो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इन आइस इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3, ऑप्शन डी एंड 4। डी 4 है। तो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म इन आइस इज कितने बनाता है, डी 4। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विथ हॉट वाटर द सोडियम आयन एक्सचेंज विथ, किसके साथ एक्सचेंज होता है, H+ आयन, Ca2+ आयन, OH- आयन या फिर SO4-, हम सभी जानते हैं या तो Mg2+ होगा या Ca2+ होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Ca2+ आयन। तो दोस्तों
आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड और इनके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।